धर्म दा बहुता ज्ञान भारतीय भाषावां विच लिखिया गया। संस्कृत है, ब्रिज भाषा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के 80% जिहड़े शब्द ने इहनूं ब्रिज भाषा कहिंदे ने। जिहड़ी लिपि है इसनों असीं गुरमुखी कहिंदे हां, पंजाबी कहिंदे हां। पर यह लिपि वालबन 2000 साल के पुराने जिहड़े खंडर रशिया दे च मिलते ने, यह लिपि लिखी हुई है। उहदियां बकायदा तस्वीरां लियांदियां गईआं। इहदा मतलब यह लिपि बहुत पुराणी सी, बहुत पुराणी सी। इहनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनाया, अपनाउण करके इसका नाम गुरमुखी पिया। फिर अज असीं इसनूं पंजाबी लिपि कहिंदे आ। परशियन ते हिंदुस्तान दीयां भाषावां विच धार्मिक ज्ञान सब तो ज्यादा है। धर्म दा मूल ज्ञान भारतीय भाषावां विच है, संस्कृत विच है, ब्रिज भाषा विच है। इस तो बाद अगर धर्म दीयां कुछ डूंगियां गल्लां मिलदियां ने तो फारसी च मिलदियां ने। चूंकि ईरान एक ऐसा देश है, अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिन्हें फकीर बहुत पैदा किए, संत बहुत पैदा किए। जे भारत नू संतां दी धरती कहिंदे ने, गुरुआं दी धरती कहिंदे ने, अवतारां दी धरती कहिंदे ने, ईरान ते अद्धे अफगानिस्तान नू भी पीरां फकीरां दी धरती कहिंदे ने। बड़े बड़े नामवर फकीर उस धरती ने पैदा किए ने, फिरदौसी जैसे, शेख सादी जैसे, हाफिज, मौलाना रूम, शमस तबरेज, सरमद, बड़े बड़े महान सूफी संत ईरान की धरती ने पैदा किए। धन गुरु नानक देव जी महाराज देच एक खूबी से, जिस देश देच जांदे सन ते सतगुरु नूं पता से इन्होंने मेरे देश की बोली तो समझनी है। खूबी सी धन गुरु नानक देव जी महाराज देच, उन्हों समझांदे सन उसे दी बोली देच, उसे ही भाषा देच। मैं हैरान हो जाता, हिंदी दे सैकड़े रूप ने। बिहार देच हिंदी किसे होर ढंग नाल बोली जाती है, यूपी दी हिंदी कुछ होर है, शहरां दी हिंदी कुछ होर है, पिंडां दी हिंदी कुछ होर है। राजस्थान ते मध्य भारत की भाषा हिंदी है, पर भिन्न भिन्न है, अनंत रूप ने। राजस्थान विच भावें हिंदी बोली जाती है, पर उत्थे बोलण वालियां भाषावां ने, एक भाषा नूं मारवाड़ी भाषा भी कहिंदे ने, मारवाड़ी लोगां दी। बिल्कुल शुद्ध शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मारवाड़ी दे च है। गर्भ गहेलड़ो मूड़ो थियो महाराज री मायो, डीहर न्याय मो फाक्यो रे, गणो 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 सद लोड़े, बिन लैणे कैठे पायो रे। शुद्ध मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। तो इस तरह धन गुरु नानक दे घर विच ये खूबी रही है, जिहड़े भांडे च अगला छकना चाहुंदा है उसे भांडे च छका देंदे आ। भाषा ते एक भांडा आउंदी, उस भाषा विच ज्ञान की है, विज्ञान की है, सूझ की है, समझ की है। भाषा भांडा है, बर्तन तो इलावा कुछ नहीं। ते भांडे असी बाजार च देखदे आ, स्टील दे भी मिलदे ने, पित्तल दे भी मिलदे ने, तांबे दे भी मिलदे ने, सिल्वर दे भी मिलदे ने, भांडे सोने दे भी आउंदे ने, कई धातुआं दे भांडे मिलदे ने। ते जे कोई धातुआं दे भांडे ना होन ते बेशतर मिट्टी दे भांडियां विच भी खांदे पींदे देखी दे, भांडे मिट्टी दे। भांडा भोजन नूं छकण दा एक साधन बनदा है, भोजन बनाण दा, भोजन नूं वंडण दा। उंज भांडा भुख नहीं मिटांदा, भुख नहीं मिटा। किसी भी भाषा का कोई पंडित होवे, विद्वान होवे,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਂਡਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਜਸਤ ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨਾੜ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਂਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਭੁੱਖ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ। ਭੋਜਨ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ, ਮਹਾਨਤਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਗਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਲਨਸਾਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਲੋਕ, ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ 'ਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਰਾਕ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ 'ਚ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ 'ਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੀ ਦੇ 'ਚ, ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ 'ਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਸਾਰਾ ਅਰਬ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ, ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਸਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਸ਼ੁੱਧ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਂਝ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਕੋਹਾਟ, ਬੰਨੂ ਅਤੇ ਜੇਰਾ ਸਮੇਲ ਖਾਨ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
क्यों अफगानिस्तान नेड़े पैंदा सी ईरान नेड़े पैंदा सी सिर्फ एक दरिया वगदा सी कुरम पार करो ते ईरान है। तो इस तरह इस इलाके च भी परशियन समझी जाती सी बोली जाती सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज संस्कृत अरबी फारसी दे महापंडित सन। जाप साहब संस्कृत अरबी फारसी का संगम है, तीन भाषावां का संगम है। इसे वास्ते कहिंदे बिखड़ा है, बहुत बिखड़ा है। पढ़न लग्या भी उख्याई है, समझण समझाण लग्या ते उख्याई है, कठिनाई है, क्योंकि बेशतर अल्फाज अरबी देने, अल्फाज संस्कृत देने, अल्फाज परशियन देने, फारसी देने, और ये तिने भाषावां थोड़िया बिखड़िया ने। ईरानी कहिंदे ने फारसी शीरी जबान अस्त, भी जिहड़ी फारसी है बहुत मिठी बोली है, बहुत मिठी बोली है। इहदे च तरन्नुम है, कहिंदे ने उचारण लग्या बोलन लग्या राग प्रगट आउंदा है, संगीत प्रगट आउंदा है। वो इंज कहिंदे ने इस भाषा दे तरन्नुम है, राग है, संगीत ते कुछ होर संगीत जोड़न दी लोड़ नहीं। उन्हां शब्दां दा जद उचारण करदे आ तो किधरे तबले दे बोल प्रगट आउंदे ने, किधरे संगीत दीआं धुनां प्रगट आउंदीआं। ऐसा इस वास्ते वो कहिंदे ने इहदे चों के तरन्नुम है तो फिर शीरी है। शीरी कहिंदे ने मिठे नूं, मिठी भाषा है, प्यारी भाषा है। दरअसल जो जिहड़ी भाषा मनुख बोलदा है, जिस इलाके च मनुख रहिंदा है, वह उन्हों प्यारा लगता है। इन्हों पश्तो च कहिंदे ने अखपुल वतन कश्मीर आई, अपना ही वतन कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर नहीं, जिथे असी रहिंदे हां कश्मीर है। इसनों फिर पंजाबी रूप दिता है, जो सुख छज्जू दे चुबारे ओ बलख ना बुखारे। अपना वतन, अपनी भाषा, अपना पहरावा, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपनी सभ्यता, अपना माहौल, अपनी संस्कृति हर एक नूं प्यारी आउंदी है। रूहे जमीन ते एक अवतारी पुरश आया जिसने हर संस्कृति देच, हर भाषा देच, हर मजहब दे नाल अपना संबंध जोड़िया, रिश्ता जोड़िया, और सच दी गल हर भाषा देच परोस के, भाषा एक भांडा है, हर भांडे विच परोस के भुखियां दे सामने रखी, रज रज के भोजन खाओ। तुसी फारसी दे भांडियां च छकना चाहते हो, असीं इस विच परोसते हाँ। तो ये पावन पवित्र वाक फारसी दे च है, इहदे उपर मंगलाचरण भी है। ये आप सरवण करो ते फिर इस तों बाद दास अखरी अर्थ आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करेगा। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। परशियन दे बहुत सारे शब्द तिलंग राग दे अंदर ने, ये वाक भी तिलंग राग दे अंदर है। घर पहला लिखा है ताल, जिन्होंने थोड़ा बहुत सुर ते ताल दा ज्ञान है उन्होंने पता एक ताल भी आउंदा, एक ताला उन्हों यक्का भी कह देंदे, यक्का एक नूं कहिंदे ने, भई यक्का दो ताल, तीन ताल, चौताल। तो इस तरीके दे नाल ए घर ने ताल है। पूरा मंगला चरण मौजूद है। इस्लामी धर्म ग्रंथ जद लिखे जाते हैं उहदे उत्ते कलमा वड्डे रूप विच,
या छोटे रूप च आंदा। छोटे रूप च कलमा इंज लिखते हैं बिस्मिल्ला उल रहमान उल रहीम, लेकिन जिथे जिथे पूरा कलमा लिखना होंदा जिवें कुरान आरंभ होंदी है पूरे कलमे दा। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च किधरे मंगला चरण छोटे रूप च है, किधरे पूर्ण रूप च मुकम्मल रूप च, किधरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पर किधरे पूर्ण रूप दे च है। आद काल तो धार्मिक लोगां ने ईश्वरी चिंतक अवतारी पुरुष जद परमात्मा की कोई गल लिखते रहने, उस ज्ञान नू जद लिखती रूप देंदे रहने तो मंगलाचरण करते रहने। साढ़े देश के जिहड़े प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ने उन्हां विच मंगलाचरण मिलता है गणेश का सुरस्ती का, क्योंकि ऐसी धारणा है ऐसी उन्हां दी मनोत है सिद्धिदाता गणेश है बुद्धिदाता सुरस्ती है। भारत विच सब तो वड्डी पूजा और सब तो वड्डे त्योहार हिंदू जगत दे सुरस्ती पूजन दे आले दुआले घूमते ने, गणेश की पूजा दे आले दुआले घूमते ने गणेश चतुर्थी। कोई भी कारण करना है पहले गणेश नूं मनांदे ने, पहले गणेश नूं पूजदे ने। सारा महाराष्ट्र अद्धा गुजरात तमिलनाडु और आंध्रा केरला गणेश चतुर्थी ए त्योहार सिरमौर है, पर सुरस्ती पूजा दुर्गा पूजा बंगाल आसाम बिहार देश प्रधान है, सब तो वड्डा त्योहार। सिद्धिदाता गणेश नु मनदे ने, बुद्धिदाता सुरस्ती नो। तन दे लई सिद्धि चाहिदी है, पदार्थ चाहिदे ने, धन चाहिदा है, मन दे लई ज्ञान चाहिदा है। तन नू पदार्थ गणेश तो मिल सकदे ने ते मन नू ज्ञान सुरस्ती तो मिल सकदा है, तो फिर परमात्मा ते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर परमात्मा की पूजा करने की की लोड़। तन विच भोजन की भुख है, पदार्थां की भुख है, पदार्थां की लोड़ है, मन विच जानन की भुख है चीज क्यों है कित्थों है मनुख जानना चाहता है। कई दफा कोई जानकारी दे रहा हो गल अधूरी हो जाए, अधूरी रह जाए, अगला औखा गल पूरी कर, पूरी दस, जानन की भुख है, जानना चाहता है। मानसिक भुख है, ज्ञान की भुख है, यह चीज क्यों है, यह चीज कित्थों है, यह चीज किवें है, यह वस्तु की है। मनुख दे अंदर जन्म दे नाल नाल जानन दी भी भुख है, पदार्थां दी भुख है, ज्ञान दी भी भुख है। तो इस तरह दो महान देवते ते देवी बना दित्ती गई, सिद्धिदाता गणेश है, बुद्धिदाता सुरस्ती है। यह गल वखरी है दसम ग्रंथ दे करता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने मैं ना गणेश है प्रीतम मना किशन बिशन कब हो नहीं हो, कान सुने पहचान न तिन सुन लियो लागे मौरी पगेन सिंह। क्यों? अगर बुद्धि दाता सुरस्ते है ते सिद्धि दाता गणेश है, कोई लोड़ नहीं है पूजा परमात्मा की ईश्वर की। रूहे जमीन विच सदियां तो बाद फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ईश्वरी ज्ञान नो जन्म दिता, आख्या सिद्धि मिलती है उस एक ओहंकार तो, बुद्ध मिलती है उस एक ओहंकार तो। ओही सिद्धि दाता है, ओही बुद्धि दाता है, दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस दे। ए दाता ना गणेश कोल ने, ना सुरस्ती कोल ने, परिपूर्ण परमात्मा कोल ने, अकाल पुरख। इस वास्ते जिहड़ा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मंगल मिलदा है और गुरु ग्रंथ साहब का मंगला चरण
थां थां नवी जो बाणी शुरू होंदी है उसका मंगला चरण और गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा पहला अक्षर है वह एक है, गल एक तो आरंभ की है, फिर सारी बाणी इस एक दी परिक्रमा करती है, इस एक दे आले दुआले घूमती है। वो एक है ओंकार नूं तीन धुणा धुणा दा ते तीन शब्दां दा जोड़ मनदे ने, आकार ओकार मकार भाव ओंकार। ओंकार नूं ब्रह्मंड दी धुनी मनदे ने, इसे तो सब कुछ होया। एक ओंकार इसे तो उत्पत्ति हुई, इसे तो पालना चल रही है, इसे तो ही नाश होंदा है, इसे तो ही परले होंदी उत्पत परले शब्दे होवे, किहड़े शब्द तो आउंदी है ओंकार। एक ओंकार वो जो एक है ओंकार है, उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है, वो सत स्वरूप है, टिकया होया है, मुकामी है, सत है, ओंद वाला नामी है, नामने वाला है, अस्थि है। कहिंदे ने इहदा नाम ते बड़ा उच्चा हो गया, तो नाम क्या आसमान ते टंगिया गया, अस्थि वड्डी हो गई, मानता वध गई। वो किसे दी भी कृत नहीं, करता है, किसे दी भी कृत नहीं, किसे दा बनाया या नहीं, सब कुछ नू बनाण वाला है। अकृता कृत है, अमृता मृत है, वो अकृत है, किसे दी कृत नहीं, वो अमृत है, उन्हों कोई मिटा नहीं सकता।